वीकी ना हो, उनके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट लीगल सर्विस होती है जो हम प्रोवाइड करते हैं उनको, ये हाई कोर्ट की तरफ से होता है। क्योंकि आज हम यहाँ पे आए हैं लीगल एड सोपोर की तरफ से, जो हमारे चेयरमैन है वो है चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट सोपोर, जो सीजीएम साहब है जय साहब। तो हमारा मकसद यही होता है कि हम जो अवेयरनेस कैंप्स करते हैं हम उनमें, मेरा नाम है जैसे सर ने कहा था पहले नजाकुल नजीर, मेरा जो बैच था 2010 में मेरा टेंथ कंप्लीट हुआ था इसी इंस्टीट्यूशन से, नर्सरी एलिमेंट्री इस स्कूल की आप जो मैं कहूँगा ना बात यहाँ रहती, हमने इस स्कूल का अरूज देखा है, तब तो कोई स्कूल था ही नहीं यहाँ पर। फिर 2006 में हमें नूर का शिफ्ट किया गया जो यहाँ पर फैकल्टी थी, इवन प्रेजेंट में भी आज भी मैं चेक करता हूँ जब भी टेंथ के रिजल्ट्स आते हैं, मैं ही नहीं हम भी जितने भी बैचमेट्स हैं या हमारे सीनियर्स हैं चेक करते हैं कि क्या रिजल्ट आया है इस स्कूल का। तो पिछले 2-3 सालों से शायद 4 सालों से काफ़ी अच्छा भी हमने देखा है, रिजल्ट काफ़ी अच्छा आ रहा है। हम हमेशा क्योंकि जो जो हमने चाहे मैं हूँ बाकी सारे हैं जो भी हासिल किया है वो इस स्कूल के बदौलत है। हमने जो तहसीलदार बानीपुरा है इसी स्कूल से, और कल आप भी उनकी पोजीशन पे हो सकते हैं, इवन डीसी हो सकते हैं, डीसी यहाँ से आपने देखा होगा बहुत सारे, इवन एक जज भी थे यहाँ से कपूर साहब, उन्होंने इसी स्कूल से पढ़ा था कुछ साल। तो मैं आपको भी ये एक मोटिवेशन देना चाहता हूँ कि आप पढ़ो, मेहनत करो। आप यहाँ पर एक नोशन था इकरा स्कूल के बारे में, मैं वो कहूँगा कि यहाँ पर पढ़ाई अच्छी नहीं है, यहाँ पर वो नहीं है, ये हुआ है क्रिएट। मैं बहुत सारे बच्चों आप इतना स्कूल में क्यों नहीं एडमिशन करते हो, आप तो वहाँ पर थे, आप वहाँ पर पढ़ाई अच्छी नहीं। मैंने कहा मैंने भी तो यहीं से पढ़ा है, मेरा ऐसा था जितने भी भारत में यही टीचर सब भी थे आज भी है। मेहनत करो, मेहनत बच्चों तक आप खुद मेहनत करो, अच्छे से पढ़ो, इतने अच्छे उस्तादा इतने अच्छे टीचर्स आपको कहीं नहीं मिलेंगे जो इतनी मेहनत करते हैं भारत में। मैं इस उन्होंने मुझे खुद पढ़ाया है, इतनी हार्ड वर्किंग टीचर आप नहीं देखोगे किसी भी स्कूल में। अपने टीचर्स की रेस्पेक्ट करो, आप आगे जाके जो भी हासिल करोगे ना वो आपके टीचर्स की दुआओं से हासिल करते हो, इनका दिन हमेशा खुश रहना है। फर्स्ट इम्पोर्टेंट जो रिपोर्ट हम डालते हैं वहाँ पे, उसके बाद हमें इस केस को रेफर किया जाता है कोर्ट में, अच्छे कोर्टस में उसका साफ और सुना सुना वनिकता है, उस हमारा कोर्टस में उसका फीस लगा प्रिस्क्राइब्ड फीस जो भी था वहाँ पे उसको फीस लग रहा था, पर गवर्नमेंट ने सोचा और सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन के बुनियाद पे इस बात को ऐसे कहा गया कि जो हमारी सोसाइटी के अंदर गरीब लोग हैं, जो हमारी सोसाइटी के अंदर वुमेन